और अब बात करेंगे मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके की, जहां चुनाव का दौर है और जब चुनाव प्रचार का शोर थमा उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता के भाई के खिलाफ पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला है मारपीट और धमकाने का। भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, हर दिन उनके लिए एक बुरी खबर सामने आती है। अब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उनके भाई और महापौर डिंपल मेहता के पति विनोद मेहता के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। गौरतलब है कि आचार संहिता के पहले दिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधायक नरेंद्र मेहता के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। ताजा मामले में पुलिस ने विनोद मेहता के खिलाफ IPC की धारा 323, 342, 506 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। FIR में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीते शनिवार को मीरा भाईंदर विधानसभा से अप्रत्यक्ष प्रत्याशी प्रदीप जंगम का चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। प्रदीप के समर्थक कुछ 18 से 20 साल के 4 लड़के इमारतों में चुनाव साहित्य बांटने का काम कर रहे थे कि अचानक विनोद मेहता की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद विनोद मेहता जो कि नरेंद्र मेहता के भाई बताए जाते हैं, उन्होंने कथित चारों शख्स को चुनाव प्रचार करने से रोका, उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। इसके बाद विनोद मेहता जबरदस्ती उन लड़कों को गाड़ी में बिठाकर नवघर पुलिस स्टेशन ले आए। इस मामले में पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लग रहा है। मामला शनिवार शाम 4:30 बजे के आसपास का है। पुलिस ने FIR दर्ज करने में 5 घंटे का समय लगाया। खबर लिखे जाने तक विनोद मेहता गिरफ्तार नहीं थे। फिलहाल विनोद मेहता और उनके चारों साथी फरार बताए जाते हैं। वहाँ पे BJP के सब कार्यकर्ता थे, हम लोग पैम्पलेट बांट रहे थे, तो वहाँ पे फिर कॉल करके विनोद मेहता को बुला लिया। तो विनोद मेहता आए वैसे ही, तो हमने कहा कि पुलिस की गाड़ी मंगा लो, तो उन्होंने उनकी फॉर्च्यूनर में 7-Eleven के वो गाड़ी में बिठा लिया जबरदस्ती से और मुझे मारा, गाली भी ली दिया मुझे, और सेठ को कैसे कुछ बोला, नरेंद्र मेहता को ऐसे कैसे बोला, ये वो सब बता रहे थे मुझे। वहाँ पे वो विनोद मेहता था, साथ में वो ड्राइवर था और एक बाउंसर था और साथ में एक और एक कार्यकर्ता था और बाकी के 4 जन मैं गिन। हम वहाँ पे पैम्पलेट बांट रहे थे, तो वहाँ पे BJP के सब कार्यकर्ता आ गए, तो उन्होंने बोला 5 मिनट, उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा, वो खुद पुलिस स्टेशन लेके